जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। और चाचा जी, क्या कहता है आपका एडवोकेट पीटरसन? क्या कहेगा, हमेशा कहता है मैं सुनता हूँ, उम्मीदें लगाता है फिर उम्मीदें तोड़ता है। अच्छा तुझे पता है? नहीं पता है, बोलिए। अरे मेरी लंदन में जो प्रॉपर्टी है ना 20 करोड़ की, वो मुझे लग रहा है कि अब तक 40 का आंकड़ा पार कर रही होगी। ये ट्राइंग टू से कि जो 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है आपकी, अब 40 की हो गई। इट्स अ विन-विन सिचुएशन मैन, इट्स अ विन-विन सिचुएशन। लेकिन एक बात है, अगर तू 2-3 साल और रुक जाए, मतलब इस बीच में ज्यादा मेरे फोर्स ना करे, मैं समझ गया तो 50 का आंकड़ा तो मतलब मैं छू लेगी। क्या बात करे, दैट्स ऑसम है चाक, दैट्स ऑसम है। चाचा जी, अगर आपके ख्याली पुलाव पक गए हों तो मैं विभू से कुछ काम की बात कर लूं। अरे ख्याली पुलाव नहीं है बहू, जब तक कि वो पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो जाते ना, मेरे लिए वो ख्याली पुलाव ही है। और विभू इम्पोर्टेंट बात सुनो, क्योंकि हमें चाचा जी के ख्याली पुलाव में नहीं जीना है, हमें मेहनत मजदूरी करनी है। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है यार, लेकिन यू नो व्हाट, मुझे इस बार ऐसी फीलिंग आ रही, बड़ी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आ रही है कि वो जो 20 के 40 हो गया ना, अपने को मिल जाएंगे। जब मिलेंगे तब देखा जाएगा, फिलहाल मेरी बात सुनो। मेरा एक क्लाइंट है जो बहुत बड़ा इन्वेस्टर भी है, वो बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करता रहता है, एंड ही इज इंटरेस्टेड इन माय बिजनेस, वो मेरे बिजनेस में हाथ आजमाना चाहता है। ग्रेट, वेल द प्रॉब्लम क्या, व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो आज रात हमारे यहाँ डिनर पे आने वाला है, और मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ ऐसी डिशेस बनाओ ना कि वो बस खाते ही हाँ करते। मतलब खाना खा के कोई डील के लिए हाँ करेगा? चाच, ऐसा भी कोई होता है क्या? होते हैं कुछ बेवकूफ, ऐसे भी होते हैं। एक्सक्यूज मी चाचा जी, वो बेवकूफ नहीं है, और वैसे भी आप तो उससे मिले भी नहीं हो, हाउ कैन यू जज कि वो इंटेलिजेंट है या बेवकूफ है? हाँ, उसका एक शौक है कि वो खाने का ना बहुत शौकीन है, इसीलिए मैं विभू को कह रही हूँ कि कुछ अच्छा सा खाना बनाए। हाँ तो ठीक है, मैं आलू मटर बना दूंगा और पनीर के कोफ्ते बनवा दूंगा। सिर्फ आलू मटर और पनीर के कोफ्ते से कुछ नहीं होगा, रुको मैंने लिस्ट बनाया था, वेट, हियर्स द लिस्ट। स्टार्टर्स में देखो, पनीर पकौड़े, चिली पनीर, वेज हरा भरा, वेज हरियाली क्रीम पटेटो, गाजर के कोफ्ते। यार ये क्या गाजर दे रही हो तुम? गाजर नहीं, मेन्यू दे रही हूँ मैं, सुनो। और मूंग दाल के भीगे बड़े, उड़द दाल के पकौड़े, प्याज और चीज के पकौड़े, स्टार्टर्स पे बस इतना ही। बस इतना ही? मैं तो कह रहा हूँ 8-10 स्टार्टर्स के कुछ और भी वैरायटी बना, बड़ा इसमें बड़ा है ना। मैं भी सोच रही, अच्छा बाद में देखते हैं, पहले मेन कोर्स में आते हैं। पनीर कानपुर वाला, मटर पनीर, घुइया के कोफ्ते विद ग्रेवी, तुम बहुत अच्छा बनाते हो, हाँ अच्छा सा बनाना, बूंदी का रायता कर देना साथ में, और वेज बिरयानी, वेज मशरूम तवा पुलाव, वेज हांडी और दम आलू कश्मीरी, 2 प्याज़ा, खड़ी भिंडी, बैठी भिंडी और गोभी का कोरमा। तुम आलू भूल गई, लंबे आलू जो थे वो भूल गई? हाँ वो तुम बहुत अच्छा बनाते हो, वो भी बनाना। लेकिन सुनो, मैं कोई मशीन नहीं हूँ, ये तो सब कुछ बना लूंगा, I can't do it. मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि बेवकूफ वो इतना सब कुछ खा जाएगा। चाचा जी, वो एक निवाला भी खाए ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज रात जब वो डिनर पे आए ना तो वो खाना खा के इतना खुश हो जाना चाहिए और इतना टेस्टी खाना बनना चाहिए ना कि बस वो हाँ कर दे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। I'm sorry. I'm extremely sorry. मैं इतना खाना एक साथ अकेले नहीं बना सकता। I'm sorry. तुम अकेले कहाँ हो? Are you gonna help me? चाचा जी है ना? Kitchen is all yours. का साड़ी है सच्ची, कितना सुंदर साड़ी है, इसमें तो मोर भी बने हैं, डायमंड भी लगा है। हाँ अग्रवाल साहब कहिए। है क्या बात कर रहे हैं, मतलब शहर के नामी टैक्स चोरों में हमारा भी नाम है, है? मतलब गाज हम पर भी गिर सकती है। नहीं नहीं, हम चौकन्ने रहेंगे। हाँ ये देखिए, ये साड़ी खरीद लाई तुम?
कितने का होगा? कितने का क्या, ये होगी कोई 600-700 से तो क्या कम होगी? 700? हाँ तो 700। हाँ हमको ना 700 का 7000 में भी ऐसा साड़ी ला के दिखा दीजिए तो हम अपना नाम अंगूरी से पुष्पा रख लेंगे। क्या बात कर रही हो, मतलब ये साड़ी 7000 से भी ज्यादा की है? ऐसे ही पकड़े हैं, 15000 का है, 15000 का। देखिए ना उसमें हीरे लगे हैं, उसमें कितना अच्छा अगोटे का काम है। 15000 की साड़ी खरीद कर ले आई? तो क्या हुआ उसमें? क्या हुआ, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने, तुमको पता है क्या हो रहा है? अरे हमारी दौलत की गर्दन पर इनकम टैक्स की तलवार लटकी है और तुम ऐसी हरकतें करके और खतरा मोल लेना चाह रही हो? अरे दिया, तो का आप टैक्स ना ही भरते हैं लटुके भैया? हाँ नहीं भरते। काहे ना ही भरते हैं टैक्स? आपको पता है एक तरह का चोरी होता है ये इनकमिंग टैक्स ना ही भरना। इनकमिंग नहीं, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। ऐसा ही पकड़े हैं, आपको भरना चाहिए ना। और फिर हमको बताइए कि अगर ये दौलत को हम अपने हिसाब से खर्च ही ना ही कर सकते हैं, इस्तेमाल ही ना ही कर सकते हैं, तो क्या फायदा इतना कमाने का? तुम काय फालतू की बकवास कर रही हो? अब बिल्कुल ठीक तो बोल रहे हैं, आज तक गाड़ी खरीदे हैं, उखोके पर पैदल ही जाते हैं, कोनो भी चीज खरीदने के पहले 100 बार सोचते हैं आप। हाँ क्या फायदा इतना कमाने का? बहुत अच्छे, तो मतलब गाड़ी खरीद के जो इनकम टैक्स वालों को न्योता दो कि आओ आओ हमारे घर पे रेड मारो। हाँ भाई, तो एक तो लंबा सा गाड़ी खरीद लीजिए, उसके बाद वो रोड पड़ता है तो पड़ने दीजिए। रोड नहीं, रेड। ऐसा ही पकड़े हैं। अच्छा आप सोचिए कि कौन सा लंबा सा गाड़ी खरीदेंगे, तब तक हम ही साड़ी पहन कर आते हैं। बहुत ही सुंदर, इसके साथ अभी हम गहने भी लेंगे। हाँ Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।